कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है, क्योंकि यूपी भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है, जहां कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। और इसी वजह से अक्सर लोकसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल की नजर यूपी पर ही रहती है। यूपी देश की राजनीति की धुरी थी, है और रहेगी, क्योंकि ये राज्य अब तक देश को 9 प्रधानमंत्री दे चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, देश को आजाद हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं और उतने ही साल देश के लोकतंत्र को हो गए हैं। आज भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाथ है। इसकी वजह है कि करीब 58 साल तक यूपी से आने वाले पीएम चेहरों ने देश पर शासन किया है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। जिस भी राजनीतिक दल को यूपी में 50 से ज्यादा सीटें मिली हैं, दिल्ली में उसी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ऐसा 5 बार हुआ है जब यूपी में 50 से कम सीटें आने के बाद भी किसी पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई है। देश के राजनीतिक इतिहास में अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें 12 बार यूपी से 50 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी को दिल्ली की सत्ता का सुख मिला है। 17 में से 6 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें यूपी से मिली हैं। इसके अलावा एक एक बार भारतीय लोक दल और जनता दल को यूपी ने ये तोहफा दिया है। खास बात ये भी है कि 17 बार हुए लोकसभा चुनाव में देश को 14 प्रधानमंत्री मिले हैं, जिनमें से 9 प्रधानमंत्री सिर्फ यूपी से दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि 5 दूसरे राज्यों से निर्वाचित होकर आए हैं, जिनमें मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह शामिल हैं। 2 आम चुनाव ऐसे भी रहे जब प्रधानमंत्री तो यूपी से बना लेकिन उसकी पार्टी को 50 से कम सीटें हासिल हुई थी। इसका एग्जाम्पल 1967 का आम चुनाव है, जब कांग्रेस को यूपी में कुल 47 सीटें मिली थी, फिर भी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जो यूपी से आते हैं या यूपी से चुनाव जीतकर दिल्ली तक पहुंचते हैं। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी छोटे मोटे चुनाव नहीं लड़े, सीधा लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। आजादी के बाद साल 1951-52 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो नेहरू की सीट फूलपुर नहीं थी, इसका नाम तब इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट था। इसी सीट से पहली बार नेहरू चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री। लंबी बीमारी से जूझ रहे पहले प्रधानमंत्री नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश की कमान संभाली। 1962 के आम चुनाव में लाल बहादुर शास्त्री ने इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। शास्त्री जी नेहरू कैबिनेट में रेल मंत्री भी रह चुके थे। वो इतने ईमानदार और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे कि एक बार उनके परिवारजनों ने उन पर कार खरीदने का दबाव बनाया। शास्त्री जी ने पता किया तो उस वक्त 12,000 रुपए में फिएट कार आती थी, लेकिन उनके खाते में सिर्फ 7,000 रुपए ही थे। इसके लिए प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने 5,000 रुपए के लिए बैंक में लोन अप्लाई किया था और इस तरह कार उनके घर में आई थी। नंबर 3 पर है इंदिरा गांधी। दुनिया जिस इंदिरा गांधी को तानाशाह के रूप में देखती थी, एक समय ऐसा भी था जब नेहरू की उसी लाडली इंदिरा को गूंगी गुड़िया कहा जाता था, क्योंकि वो सदन में भाषण देते वक्त कांप जाती थी। यूपी के इलाहाबाद में जन्मी इंदिरा 24 जनवरी 1966 को यूपी से ही चुनाव जीतकर देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 24 मार्च 1977 तक रहा। अपनी जन्मभूमि से खासा लगाव होने के बावजूद उन्होंने अपनी ससुराल रायबरेली को कर्मभूमि बनाया और यहीं से चुनाव लड़ा। रायबरेली की जनता ने भी उन पर खूब प्यार लुटाया और संसदीय सीट से इंदिरा को 2 बार जिताया। कमाल की बात यह है कि 67 में इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने यूपी की सिर्फ 47 सीटें जीती थी, फिर भी पीएम बनी। 71 के चुनाव में यह आंकड़ा 73 तक पहुंच गया, लेकिन 75 में लगी इमरजेंसी के बाद अगले ही चुनाव में उन्हें देश की जनता ने खारिज कर दिया। यहां तक कि रायबरेली में इंदिरा को हार का सामना करना पड़ा था। नंबर 4 पर है चौधरी चरण सिंह। इंदिरा गांधी के बाद यूपी से देश की सत्ता संभालने वाले देश के 5वें प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। उनका जन्म मेरठ के नूरपुर गांव में हुआ था। वो बड़े किसान नेता थे। कहा जाता है कि 1977 के आम चुनाव में उनकी जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह तक नहीं मिला था। वजह थी उस समय के नियम। तब कहा जाता था कि चुनाव चिन्ह उसी पार्टी को मिल सकता है जो 5 साल पुरानी हो।
इसके बाद जनता दल ने भारतीय लोकदल के चुनाव चिन्ह हल धर के साथ इलेक्शन लड़ा। इस चुनाव में भारतीय लोकदल ने यूपी में शानदार जीत दर्ज की। हालांकि बाद में कांग्रेस से ही गठबंधन करके चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े नेता थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हमेशा गांव और ग्रामीणों की ही बात करते थे, लेकिन उनकी सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। इंदिरा गांधी के समर्थन वापस लेने की वजह से उनकी सरकार 5.5 महीने में ही गिर गई। 1980 के जनवरी महीने में मध्यावधि लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी ने फिर से रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा और जीत गई। इस तरह वो एक बार फिर देश की प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन 4 साल बाद 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी राजीव गांधी ने देश की कमान संभाली। नंबर 5 पर है राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में देश भर में कांग्रेस के लिए सहानुभूति थी। पायलट से नेता बने राजीव गांधी ने अपने पहले ही चुनाव में 415 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। यूपी में कांग्रेस को 85 में 83 सीटें मिली थी और लोक दल 2 सीटों में सिमट कर रह गई थी। नंबर 6 पर रहे वीपी सिंह। यूपी की ही सरजमी से आने वाले भारत के 7वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह राजीव गांधी की सत्ता को हिलाकर पीएम पद तक पहुंचे थे। उनका जन्म भी इलाहाबाद में हुआ था। बोफोर्स कांड को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर वीपी सिंह ने 1989 का चुनाव लड़ा और जीते। उन्होंने जनता दल और सेक्युलर पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन जनता दल में फूट के चलते उनकी सरकार 11 महीने में ही गिर गई। बताया जाता है कि जब उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने की अनुमति दी तो देश 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देने लगा था। एक तरफ ओबीसी तबका था तो दूसरी ओर सवर्ण समाज था। नंबर 7 चंद्रशेखर सिंह। देश का 7वां प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे चंद्रशेखर सिंह को तब सियासी छल की वजह से सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा था। लेकिन 11 महीने में वीपी सिंह की सरकार गिर जाने के बाद यूपी के बलिया का बेटा देश का 8वां प्रधानमंत्री बना। उनकी सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी थी और कांग्रेस की वजह से ही गिर गई। दरअसल चंद्रशेखर के सत्ता में आते ही कांग्रेस उन पर राजीव गांधी की जासूसी कराने का आरोप लगाने लगी। 6 मार्च 1991 में उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अगले चुनाव में कांग्रेस के नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री बन गए। नंबर 8 पर रहे अटल बिहारी वाजपेयी। देश की आजादी के समय से देश की राजनीति में सक्रिय रहे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि यूपी को बनाया था। साल 1996 के चुनाव में भाजपा 85 में से 52 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ के रास्ते लोकसभा पहुंचे थे। इससे पहले कभी भाजपा को यूपी में इतनी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन तब किस्मत ने अटल जी का साथ नहीं दिया और वो सिर्फ 16 दिन ही प्रधानमंत्री रह पाए। इसके 2 साल बाद फिर से देश में आम चुनाव हुए। इस बार यूपी में भाजपा की सीटें बढ़कर 57 तक पहुंच गई। अटल बिहारी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार भी 13 महीने तक ही पद पर रह पाए। इसके बाद 19 मार्च 1999 में हुए चुनाव में अटल जी तीसरी बार पीएम पद पर बैठे और इस बार उन्होंने 22 मार्च 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। खास बात यह है कि 1999 के चुनाव में यूपी में भाजपा की सीटें घटकर सिर्फ 29 रह गई थी, लेकिन फिर भी देश की जनता ने उन पर भरोसा किया क्योंकि तब तक वो देश में सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय नेता बन चुके थे। नंबर 9 पर हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात से यूपी और फिर दिल्ली तक पहुंचकर पीएम कुर्सी पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी यूपी से आने वाले 9वें प्रधानमंत्री बने। हालांकि मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बाड़नगर में हुआ था, लेकिन उन्होंने वाराणसी को अपनी कर्मभूमि बनाया। मोदी लहर के चलते ही 2014 के चुनाव में यूपी में भाजपा को सबसे ज्यादा 85 में से 72 सीटें मिली थी। आजादी के बाद से 77 साल के इतिहास में यह दूसरा मौका था जब यूपी में किसी एक पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला हो। इससे पहले इंदिरा की मौत के बाद 84-85 के चुनाव में कांग्रेस ने 83 सीटें जीती थी। मोदी का विजय रथ 2019 में भी जारी रहा, लेकिन सीटों की संख्या कुछ कम हो गई। उस चुनाव में भाजपा को यूपी में 62 सीटें ही मिली थीं और अब इसी साल होने वाले चुनाव में एक बार फिर मोदी यूपी के वाराणसी से ही मैदान में उतरे हैं और देश भर में 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। तो फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।